सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यार तो ये मेरा चैनल है फ्यूचरिस्टिक पैंथर राइट के नाम से, और आज से हमारे ब्लॉग्स इसी पे आए करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग्स देखिए, हम लोग आगरा की अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे और बताना कैसे लगे। तो आज मैं आपको आगरा के एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ, लिटरली आप लोग यकीन नहीं करोगे, ताजमहल है। एक सेम टू सेम ताजमहल इधर भी बना रखा है, और बस एक रेड ताजमहल के नाम से जाना जाता है उसको। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे को बताना कैसे लगे, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट। तो गाइस चलो, मैं आपको आज एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, और ये लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है इसको। तो यार यही लाल ताजमहल है जो कि आगरा के बहुत ही एक जाने माने शहर, आगरा के अंदर एक मेन जगह है जिसको भगवान टॉपिक बोलते हैं, उसी के पास है। तो मैं आपको लाल ताजमहल के अंदर तो भी लेने वाला हूँ। वैसे तो यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है आना, बट हमने आप लोगों के लिए स्पेशल परमिशन दी है, और आप लोग प्लीज इंजॉय करना ब्लॉग को। आ रहा तो गाइस, यार हम लोग ताजमहल के अंदर आ चुके हैं, है ना। और ये थोड़ा उधर का व्यू है ताजमहल का, मैं आपको दिखाता हूँ, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और मैं आपको भी दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ये देखो, ये पूरे बाहर का व्यू है, और ये रहा हमारा ताजमहल। सन के सामने कितना बढ़िया लग रहा है। तो यार अभी हम लोग ऊपर की साइड है, और अगर आपको ये जगह अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप ब्लॉग में कंटिन्यू बनाए रखें, और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, हम इतनी मेहनत से इधर आए हैं। तो गाइस यार हम लोग अभी ऊपर ही बैठे हुए हैं, और यार ये थोड़ा डरावना भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो हम बस, मैं और मेरे दोस्त आए हुए हैं। मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ, है इसका भी भाई यूट्यूब चैनल है, इसके यूट्यूब चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। और आप लोग देखते रहना, इसके यूट्यूब को भी चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार अभी तो थोड़ी थकान हो गई है, तो हम बैठे हुए हैं, थोड़ा खाते पीते हैं, फिर आपको कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और बाकी लोकेशन कैसी लगी आप ज़रूर बताना। गाइस आप लोगों ने जैसे इधर देखा, अभी फिलहाल तो ताजमहल के हम लोग ऊपर ही खड़े हुए हैं, मतलब आई मीन रेड ताजमहल के ऊपर। पर यार इधर अभी अंदर तो अलाउ नहीं है जाना, क्योंकि इधर जंजीर से बंद कर रखा है, इधर अंदर हमें अलाउ तो नहीं कर रखा। बट फिर भी मैं आपको अंदर का ट्राई करूँगा दिखाना, और इसके बाद आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे। आपको एक इधर का एक बहुत तगड़ा वाला राज बताने वाला हूँ, जो आगरा के बहुत ही कम लोगों को जब मालूम होगा, तो वो आप बस ब्लॉग कंटिन्यू करिए और देखते रहना, और राज जरूर। तो गाइस मैंने आपको ऐसे बोला था कि अंदर का बंद कर रखा है, तो ये फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको अंदर का दिखाने का। अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो अंदर यार किसी की कब्र टाइप है, और बाकी मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। तो यार ये जो मेन वाला यहाँ पे रेड ताजमहल बना रखा है, ये वो है, बाकी ये इसके व्यू हैं पूरे, मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ। और अभी यार मेरे को बताना मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि अभी मैं खाली फ़ोन के इंटरनल माइक से बना रहा हूँ। आप मेरे को बनाना, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और बाकी देखिए आप व्यू कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ का, सामने सन है। यार मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला था, जो कि बड़ी ही तगड़ी चीज है। नीचे जाने का मेरे को गेट दिख गया है,
बट वो उधर अलाउ नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ, ये आप देख सकते हैं नीचे जाके। भैया मैं अपनी जान पे रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों की वजह से, है ना। वैसे इधर अलाउ कर नहीं रखा, फिर भी वो मेरी फट तो रही है थोड़ी, क्योंकि यार आप खुद देख लो यार, ये पूरा एरिया ऐसे बंद करके रखा हुआ है, एक कुंडी से बंद है ताले से। भैया अगर इधर कुछ हो गया तो भाई ये मेरा पहला और आखिरी ब्लॉग है, ये समझ के मेरे को माफ कर देना। को लेके तो जा रहा हूँ और मैं ट्राई करूंगा कि अंदर भी दिखाऊं। भैया ये तो सीन है, की हालत को सही नहीं है। और अब मैं आपको दूसरी लोकेशन पे लेके चलता हूँ, मेरा गाल लिटरली फट गई है भाई, है ना। वैसे मैं बोलना ही चाहता, बस चलते हैं यार। गाइस यार ये था ताजमहल हमारा, आप लोग जैसे देख ही सकते हैं। और यार मैं आपको इसके बारे में एक और राज बताना चाहता हूँ कि ये ताजमहल वैसे तो आगरा के एकदम बीचों बीच मतलब एक एरिया होता है ना ऐसे बीचों बीच, उस जगह पर ताजमहल है, इतना ज़्यादा जाना माना नहीं है, बट हमारे आसपास ही था, इस वजह से हम आपको पहला ब्लॉग हमारे इसी वजह से यहाँ पे हमने शूट किया है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको उधर का राज बताने वाला हूँ, इस ताजमहल के पीछे माना जाता है एक कब्रिस्तान और है, उधर देखने की परमिशन किसी को भी नहीं है, पर यहाँ के गार्ड भैया हमारे बहुत से गार्ड भैया रमेश भैया उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है कि वो हम लोग वहाँ पर देख सके। तो यार मैं कोशिश करूँगा कि छोटा सा एक ब्लॉग आपके लिए, छोटी सी एक क्लिप आपके लिए शूट करके डालूँ, और आप लोग प्लीज़ मेरे को बताना कैसी लग रही है। और बाकी ये ताजमहल आप भी प्लीज़ विजिट करिए, यहाँ पे फोटो शूट के लिए बिल्कुल आइए। अगर जब भी आप आगरा आए तो भगवान चौक इसमें रेड ताजमहल पूछेंगे तो वो आपको उधर ही छोड़ेगा। बाकी ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए गाइस, ये था हमारा ताजमहल का टूर। और बाकी जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ यहाँ का कब्रिस्तान, वैसे तो यहाँ पर बहुत पुराना कब्रिस्तान है, बट फिर मैं आपको शो करने वाला हूँ। नीचे जाना अभी परमिशन अलाउ नहीं है, पर फिर भी आपको शो करूँगा। ये आप देख सकते हैं यार, ये जो पीछे का एरिया है ना, ये पूरा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है यहाँ का। जब भगवान टाउन के जैसे यहाँ पे बना भी नहीं था, आगरा तरह इतना नाम भी नहीं था, तो कब्रिस्तान तब का है ये। और ये पूरा वहाँ तक बिल्कुल लास्ट तक एरिया तक उधर फैला हुआ है। बाकी यार देखो ये था वो चीज़, और यहाँ पे हमें वैसे नीचे जाना अलाउ तो नहीं है, बट फिर भी ट्राई करते हैं कि आपके दिल का से कब्रिस्तान की मैं अवधि दूंगा। मालूम पड़ा मेरे को एक आध भूत दिख गया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो इसलिए हम लोग ऊपर से ही कवर करते हैं। और थोड़ा सा आप पीछे भी देख सकते हैं, ये अभी फ़िलहाल जो आए हैं उनका है ढाका लगाना, वैसे सही तो नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले रहा हूँ। आप मेरे को बताना तो गाइस यार जैसे कि ताजमहल था, मैं जस्ट मेरे पीछे आप एक और देख सकते हैं, दो जगह और हैं, मैं आपको उधर ले चल रहा हूँ। अभी हमने उस वाले ताजमहल के अंदर कब्र देखी, अब मैं आपको ढाका दिखाने वाला हूँ। ढाका तो वैसे कभी ऑन नहीं होता, पर फिर मैं आपको ट्राई करूँगा दिखाने का। तो यार देखो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कब्रें ही कब्रें बनी हुई हैं, एक तो वैसे हमारी फटी पड़ी है ये देख सकते हैं। ये इतनी ना कि मेन कब्र नहीं है, जैसे कि सेम ऐसी कब्रें, थोड़ा सा एक ये एरिया बना रखा है इसमें भी है। बाकी इसके पीछे आप देख सकते हैं पूरे में आपका कब्री कब्र बना हुआ है। थक गए यार, ये देखिए सी गाइस, मुझे नहीं पता आज रात को मेरे सपने में भूत आएंगे नहीं आएंगे, बट मैंने बना डाली आप लोगों के लिए। तो
अभी मैं एक ऐसी कबर के पास खड़ा हूँ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बताऊँ, डरावनी कबर के नाम से जाना जाता है। जो आप मेरे पीछे कबर देख रहे हैं ये नाम तो नहीं पता किसकी है, बट वहाँ की सबसे ज़्यादा डरावनी कबर है और ये भी बहुत एकदम कॉर्नर पे कबर बनी हुई है बिल्कुल। और यार वहाँ से आके मेरे को थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही है और सही बताऊँ तो यार मेरी थोड़ी लिटरली फट भी रही है, तो मैं दूर ही रहूँ तो ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी कबर्स दिख जाएंगी जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारी इतनी भी हैं, ये सारी कबर वहाँ पर बनी हुई है। लिटरली आप सारी कबर देखिए, सी ये जितनी भी कबरें हैं ये सब बहुत पुरानी कबरें वहाँ पे बनी हुई हैं और अलग अलग टाइप की हैं। गाइस हमें तो यार इस क्या बताऊँ उसके बारे में इतनी कोई नॉलेज नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना अच्छा रहेगा, तो यार हाँ इस क्लिप को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर। तो गाइस आ यार इधर एक और पीछे कब्रिस्तान का छोटा सा एरिया है बिल्कुल कॉर्नर पे जो अब मैंने कवर करने की कोशिश करी है, तो आप धीरे धीरे आओ यार और बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी सबसे बड़ी कवर आप देख ही सकते हैं, पहले लिस्ट नहीं करें कोई कवर है आई डोंट नो, बट यार वहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब मिल रही है मेरे को। और सेकेंड चीज़ पूरी की पूरी लास्ट कॉर्नर तक ताजमहल हमारा उस साइड पर, ये बिल्कुल मैं एकदम कॉर्नर की साइड पर आ चुका हूँ आप लोगों को दिखाने कि वीडियो एंड करने से पहले ये चीज़ ज़रूर दिखाना चाह रहा था कि आप लोग एक बार इसको लोग देखें। और बाकी ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलो बुरा बोलो मुझे नहीं पता, बट हाँ बढ़िया एरिया। बाकी ये आपको मैं मिलता हूँ आगे के ब्लॉग में। भाई मैं तो यहाँ पे थके हुआ ना, मैं तो यहाँ बैठ गया सही बताऊँ, और अब यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग पूरा मतलब ख़त्म करने का सोच रहा हूँ। और बाकी आप एक बार फीचर का सीन देख लो इधर, एक तो फोटोशूट के लिए इतना बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया मौसम है और इतना बढ़िया एरिया है। प्लीज़ विजिट करिए और हमारे चैनल में बनाए रखिए, आपका साथ ज़रूर देना, थैंक यू। तो यार ये थी हमारे आज के लाल ताजमहल का ब्लॉग, अगर आपको यार अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप बता सको भाई बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग को बनाने में, ये हमारा पहला ब्लॉग है, ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आपके लिए हम लाते रहेंगे आगरा की नई नई जगह पर, ये तो पहली जगह आती है। और आप हमारे साथ बने रखिए और आपको मैं इतनी बेहतरीन जगह पे दिखाने वाला हूँ आगरा की, और ये मैं गारंटी देखता हूँ आगरा का बेस्ट यूट्यूब चैनल मैं ऐसे बना के छोड़ूंगा। मेरा नाम है लकी सक्सेना, आप देख रहे हैं फ्यूचरिस्टिक पैंथर राइड ब्लॉग्स। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।